आप सब, आई एम श्योर मस्त होंगे। मैं हूँ जैनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं कहाँ, लर्नेक्स पर, जहाँ आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछना किसी आर्ट से कम नहीं है, और खासकर जब परमिशन लेनी हो। कितना ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं टोन रूड ना हो जाए, वर्ड्स सही हो, है ना। अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि इंग्लिश में परमिशन लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मैडम, या फिर सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चन पूछने का। तो मुझे लगा क्यों ना मैं ये टॉपिक आप लोगों के साथ आज शेयर करूं। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजेज ऑफ कैन, कुड, मे फॉर परमिशन। किसके लिए? जिससे हम परमिशन मांगे तो कैसे मांगे, क्योंकि अधिकतर लोग कैन, कुड एंड मे को कहाँ यूज़ करें उसमें ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज के लेसन में मैं आप सीखेंगे कि परमिशन देने वाले क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन से कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे अलग होते हैं, और आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं ना इन वर्ड्स को लेके, वो सब दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। दोस्तों, बहुत बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि क्या मैं यहाँ सामान रख सकता हूँ। इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कैन आई पुट माई लगेज हियर, कैन आई पुट माई लगेज हियर। क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकती हूँ? कैन आई पार्क हियर। क्या मैं तुम्हारा हेयर ब्रश ले सकता हूँ? कुड आई बोरो योर हेयर ब्रश। मैं भी आ सकती हूँ क्या तुम्हारे साथ? होता है ना कई बार हम पूछते हैं क्या मैं भी चलूँ आपके साथ, तो कैसे बोलते हैं? कैन आई ऑल्सो कम विद यू। दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया कि इन सब क्वेश्चंस में परमिशन मांगी जा रही है? दोस्तों, बहुत बार आपको ऑफिस से जल्दी निकलना होता है क्योंकि आपको कहीं जाना है, तो आप परमिशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? मे का यूज़ कर सकते हैं। मे ज़्यादातर फॉर्मल जगहों पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मुझे शाम को डॉक्टर के पास जाना है, क्या मैं जल्दी निकल सकता हूँ, या मैं क्या जल्दी जा सकता हूँ। I have to see doctor today. May I leave from work early? दोस्तों, can I, could I and may I, इन सब का मतलब एक ही होता है। आप इनमें से जो चाहे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन may सबसे ज़्यादा फॉर्मल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। can सबसे ज़्यादा इनफॉर्मल होता है, could काफ़ी ज़्यादा पोलाइट साउंड करता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको तीनों के छोटे छोटे डिफरेंसेस। दोस्तों, ओल्ड ग्रामर में मे आई का यूज़ ज़्यादा होता था परमिशन लेने के लिए, लेकिन आजकल इंग्लिश स्पीकर्स कैन आई का यूज़ ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस में हम मे आई का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ हम कैन आई यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लीजिए किसी को स्पीच देनी है एक ग्रुप को, और वहाँ थैंक यू बोलना है उन लोगों को जो आए हैं, तब हम कैन आई का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि मे आई बिगिन बाय थैंकिंग यू ऑल फॉर बीइंग विद अस टुडे। दोस्तों, ये कहाँ होता है? अगर हमने घर पे किसी को बुलाया है, स्पेशली फॉर्मल जगह पे है, तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और कस्टमर केयर में तो आपने अक्सर सुना होगा हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू। आप बिजनेस मीटिंग्स में सजेशन देने के लिए भी मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इमेजिन कीजिए कि मीटिंग में डिस्कशन चल रहा है और किसी को कोई आइडिया नहीं पसंद आया और बहस हो रही है, तो कैसा सिनेरियो होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि किसी ने बोला मुझे नहीं लगता, आई डोंट थिंक सो, तो दूसरा बोलेगा क्यों नहीं, वाई नॉट, ये आइडिया अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो दूसरे ने बोला येस इट इज़। तो तीसरा जो बॉस है वो बोल सकता है क्या मैं कुछ सजेस्ट करूँ, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे आई सजेस्ट वी कम बैक टू दिस लेटर इफ़ वी हैव टाइम। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये फॉर्मल जगहों पर कितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है और काफ़ी पोलाइट भी साउंड करता है। तो चलिए अब कुछ कैन आई और कुड आई का यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं। Could you speak to me for a moment?
Could you speak to me for a moment? क्या तुम एक मिनट के लिए बात कर सकते हो? Can you help me with this? Can you help me with this? क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? Can you come along? Can you come along? क्या तुम साथ में आ सकते हो? Could you shift a bit? Could you shift a bit? क्या आप shift होंगे थोड़ा सा? दोस्तों ये सारे sentences हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, but कितना अच्छा लगता है अगर आप इस तरह से बोले तो. तो ये थी questions पूछने की बात. लेकिन अगर आपसे कोई question पूछे या permission मांगे, तो आप respond कैसे करेंगे? Respond करना अभी तो आना चाहिए ना, वो भी ज़रूरी है. आइए देखते हैं कुछ बड़े easy examples के साथ. अगर कोई आपसे कहे कि क्या आपसे एक मिनट बात कर सकता हूँ, तो उसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैन आई हैव अ वर्ड? कैन आई हैव अ वर्ड? तो आप आंसर करेंगे श्योर या फिर या. अगर कोई आपके दरवाजे पे खड़े होके पूछे कि मे आई कम इन, तो आप उन्हें येस बोलेंगे. जब ऐसे बोल सकते हैं सर्टनली, जिसका मतलब है बिल्कुल. कोई अगर आपसे आपका फ़ोन मांगे यूज़ करने के लिए, सपोज उनकी बैटरी ख़त्म हो गई है, तो कैसे बोलेंगे? माई बैटरी इज़ फ्लैट. मेरी बैटरी डाउन है या ख़त्म है. कैन आई यूज़ योर फ़ोन? कैन आई यूज़ योर फ़ोन? तो आप बोल सकते हैं येस ऑफ कोर्स. तो सामने वाले बोलेगा थैंक यू, तब बोलेंगे यू आर मोस्ट वेलकम. अगर कोई आपसे कोई चीज़ मांगे तो क्या बोलेगा? कुड आई बोरो दीज? तो आंसर कर सकते हैं या श्योर या फिर या ओके. मे आई सर्व टी नाउ? तो आप आंसर दे सकते हैं या श्योर प्लीज. क्या मैं भी ले सकती हूँ कुछ? या तो कुछ समझ लीजिए टेबल पे पड़ा है और आप लेना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मे आई हैव सम टू? तो आंसर आ सकता है येस, हेल्प योर सेल्फ. दोस्तों आपने रिप्लाई सुने, सबका मतलब येस है और सारे रिप्लाई पोलाइट हैं, लेकिन हमने बहुत अलग तरीके से जवाब दिया. सिर्फ सर्टनली और प्लीज़ डू फॉर्मल हैं थोड़े से. दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा कि हेल्प योर सेल्फ भी थोड़ा डिफरेंट था. हम इसे तब बोलते हैं जब किसी को ये बोलना हो कि खाना ले लीजिए या चाय ले लीजिए या फिर जो भी चीज़ रखी है आप प्लीज़ अपने आप ले सकते हैं. ठीक है दोस्तों, तो कंफ्यूज़ मत होइए, ये भी बहुत पोलाइट तरीका है जवाब देने का. वेल दोस्तों आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है. होप आपको अब अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है कि हम कैन, कुड और मे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे कर सकते हैं और ये परमिशन लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. आज का लेसन पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. और हाँ, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा. अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए. और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे सारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलनी तुरंत शुरू हो जाएगी. तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं जल्द मिलूंगी एक नए इंटरेस्टिंग लेसन के साथ. तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय.